सचेतन गुजरात जिंदाबाद 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 सचेतन गुजरात जय सरकार करो हम आपके साथ हैं सचेतन गुजरात जय सरकार करो हम आपके साथ हैं बटन हमारा कहां दबेगा शाहजहानपुर की पोया विधानसभा में माननीय मुखर्जी जी का स्वागत एवं अभिनंदन है। मैं मंडल संयोजक केको उपाध्याय जी, मंडल संयोजक राम कुमार मौर्य जी से अनुरोध करेंगे कि माननीय मुखर्जी जी का माला पहनाकर स्वागत करें और साथ में नरेंद्र सागर जी, राजेश सागर जी, लक्ष्मीनारायण सागर जी और पंकज जी बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद बीएसपी जिंदाबाद 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 सचेत कर्मचारी जिंदाबाद 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 सचेत कर्मचारी संघर्ष करो आपके साथ सचेत कर्मचारी संघर्ष करो आपके साथ बैंक जी जिंदाबाद जिंदाबाद जी जिंदाबाद बाबा साहब अमर रहे मनोहर गांधी हम सब अमर रहे जो मीडिया से है वही यहाँ रुके इस गैलरी में। इस कार्यक्रम में बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, राज्यसभा सांसद माने मंच से जो नाम बोले जा रहे हैं कृपया वही लोग मंच पर रहे। नरेंद्र सागर जी, राजेश कुमार जी, लक्ष्मी नारायण सागर जी, के उपाध्याय जी, राम कुमार मौर्य जी, काजी मोहम्मद जी, सर्वेश मिश्रा जी से ये लोग जितना नाम बोले जा रहे हैं कृपया वही इस उपस्थित इसमें मंच पर बैठे। कृपया बाकी सभी लोगों से अनुरोध है कृपया साइड मंच पर बना हुआ है कृपया वहां पर स्थान ग्रहण कर लें। स्वागत पंकज जिहाज जिला पंचायत सदस्य माननीय मिश्रा जी का श्री राम भगवान गणेश जी की मूर्ति देकर के स्वागत करें। पंकज जिहाज जी, प्रशांत भूषण शर्मा जी प्रभारी आमला के हैं मिश्रा जी और माननीय निकुल दुबे जी का स्वागत करें। स्टार वॉकर के स्वागत करें प्रशांत भूषण शर्मा जी। के उपाध्याय जी से सर्वेश मिश्रा जी से अनुरोध है कृपया स्वागत करें माननीय मिश्रा जी का। मुनीर पंडित जी से संगठन बनाते हैं आपका स्वागत करें। जसपाल गौतम जी, ठाकुर राजेश सिंह बदायूं के प्रभारी हैं, आपसे अनुरोध है कि माननीय उपस्थित महोदय का स्वागत करें ठाकुर राजेश सिंह की। पंकज जी, उदयवीर सिंह जी, जसपाल गौतम जी,
जाटागंज से रजित गुप्ता जी से अनुरोध है, कृपया माननीय मिश्रा जी का स्वागत करें। रजित गुप्ता जी प्रभारी जाटागंज से, ये माननीय जदवीर गौतम जी जयपाल सिंह जी मुख्य मंडल सत्र प्रभारी भरेली मंडल जयपाल सिंह जी, सर्वेश मिश्रा जी, उदयवीर जी, अनिल वाल्मीकि जी, हमारे पुनः हमारे बीच में आए अतिथियों का स्वागत वंदन अभिनंदन है। माननीय नकुल दुबे जी कैबिनेट पूर्व कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार से मैं विनम्र अनुरोध करेंगे हम सभी का मार्गदर्शन करने की कृपा करें। माननीय नकुल दुबे जी, भैया हमने लगवाया है खास तौर से अपना आदमी बेच कर। सर्वप्रथम भारतीय संविधान के रचयिता परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर एवं बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक माननीय कांशीराम साहब को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आज पुआया की धरती पर हम सब लोग एक ऐसी शख्सियत के सामने रूबरू है। आप सबको याद होगा सन 2005 और 2006 के बीच में जब समाजवादी पार्टी के अत्याचारियों के द्वारा पूरे उत्तर प्रदेश को जन जन को हलाकान करने का काम किया गया था, उस समय आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के आशीर्वाद से पंडित सतीश चंद्र मिश्रा जी फरसा लेकर के खड़े हुए थे और बहुजन समाज पार्टी के बहुमत से सरकार बनाने का काम किया था। दोस्तों वही समय दोबारा फिर से आपके बीच में आ गया है। सन 2017 से 2022 के बीच में आपके साथ नंगा नाच किया गया है, आपके लोगों के साथ खिलवाड़ किया गया है, किसानों की हत्याएं की गई है, जन जन को परेशान और जन जन को तकलीफ पहुंचाने का काम इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ करके उत्तर प्रदेश की सीमा के बाहर पहुंचाने का निर्णय पंडित सतीश चंद्र मिश्रा जी ने लिया है, जो आप सबके बीच में आप सबका आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ पर आए हैं। हमारे बहुत सारे प्रत्याशी यहाँ पर बैठे हुए मंच पर, मैं आप सबका आह्वान करता हूँ और मैं आप सबसे जानना चाहता हूँ क्या हमारे साथ साथ आप सब लोगों की जिम्मेदारी है कि नहीं है, हमारे उत्तर प्रदेश के साथ हमारे देश के साथ खिलवाड़ करने का काम किया जा रहा है, हमारी माता बहनों के अस्पताल के साथ खिलवाड़ करने का काम किया जा रहा है, हमारे नौजवानों के साथ उनको बेरोजगार करके उनके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, किसानों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, व्यापारियों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और हमको सपने क्या दिखाए जा रहे हैं। बात रुक जाओ, अच्छे दिन आने वाले हैं। अच्छे दिन जब चुनाव आता है, अब चुनाव का टाइम आया है तो कोई मथुरा भागा जा रहा है, कोई बनारस भागा जा रहा है, कोई अयोध्या भागा जा रहा है। अरे भाई, पेट भरने के लिए मथुरा अयोध्या और इलाहाबाद वगैरह काम नहीं आता है, पेट भरने के लिए रोटी चाहिए होती है। जब आप रोटी की बात करिए तो चाहे आओ हम तुमको फ्री में गेहूं दे रहे हैं, फ्री में दाल दे रहे हैं, फ्री में चावल दे रहे हैं, फ्री में राशन। मैं तुमको आप जाकर के बैठिए जगह जगह पर जहां पर कोटेदार है, जहां पर आपकी मेहनत जारी कमाई के टैक्स के पैसे में अनाज आया है, वहां पर बड़ा बड़ा फोटो लगा करके अपने दांत दिखा रहे हैं, अपना चेहरा दिखा रहे हैं और अपने आप को बहुत ताकतवर बता रहे हैं। आज हिंदुस्तान में
एक तमाशा किया जा रहा है। हिंदुस्तान के लोगों को, पूरे हिंदुस्तान के लोगों को पूरे विश्व में नीचा देखने का काम किया, नीचा देखकर काम कराया जा रहा है। कहा क्या जा रहा है कि पूरे हिंदुस्तान के 80 करोड़ लोगों को अगर हम फ्री में अनाज न दें तो उनके घर परिवार के लोग मर जाएंगे। हमसे कहा जाता है 21वीं सदी का भारत है, आत्मनिर्भर भारत है, और यह भारत अखंड भारत इसके टुकड़े टुकड़े करने का काम और कोई नहीं कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी कर रही है। इसलिए हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि जो हमारे देश के साथ, हमारी भारत माता के साथ, हमारी माटी के साथ खिलवाड़ करने का कार्य कर रहा है उसको हम उत्तर प्रदेश से कड़ा बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए हम लोग उत्तर प्रदेश में 2022 में आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को पांचवी बार मुख्यमंत्री बनाकर के इस प्रदेश में अमन चैन और विकास की गंगा बहाने काम करेंगे। मैं आप लोगों का ज्यादा समय नहीं लेना चाहता, मैं आमंत्रित करता हूँ सम्मान के साथ पंडित श्री सत्यन मिश्रा जी को, कृपया माइक पर आए, हम सबको आशीर्वाद भी दे और हम सब लोगों को संकल्प दिलाए कि जब तक हम लोग बहन जी को इस प्रदेश का पांचवी बार मुख्यमंत्री नहीं बना लेंगे, हमारे बहुजन समाज का एक भी कार्यकर्ता चैन से बैठने का नहीं करेगा। मैं आमंत्रित करता हूँ बड़े सम्मान के साथ पंडित श्री सत्यन मिश्रा जी को। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करें कृपया हम सबका मार्गदर्शन कर खर्च करें। माननीय मित्रा जी, मंच पर उपस्थित बहुजन समाज पार्टी के सभी सम्मानित नेतागण, श्री नकुल दुबे जी पूर्व कैबिनेट मंत्री, माननीय अमरचंद जौहरी जी पूर्व लोकसभा प्रत्याशी मुख्य संयुक्त प्रभारी बरेली मंडल, श्री नरेंद्र कुमार सागर जी मुख्य सेक्टर प्रभारी बरेली मंडल, श्री राजेश सागर जी मुख्य सेक्टर प्रभारी, श्री लक्ष्मी नारायण सागर मुख्य सेक्टर प्रभारी, श्री के उपाध्याय मंडल संयोजक बरेली मंडल बरेली, श्री राम कुमार मौर्य संयोजक बरेली मंडल बरेली, माननीय काजी मोहम्मद जाहिद संयोजक बरेली मंडल बरेली, श्री सर्वेश मिश्रा और धानु प्रभारी नगर विधानसभा, श्री परमजीत सिंह जी तथा यहाँ पर उपस्थित श्री रचित गुप्ता जी प्रभारी प्रत्याशी दातागंज बदायूं, श्री ठाकुर राजेश सिंह जी प्रभारी प्रत्याशी मगर। भाइयों, आप लोगों के बीच में जब हम लोग आए हैं तो आप ये मान के चलिए आज से 15 दिन बाद चुनाव की घोषणा होने वाली है। एक तारीख, ज्यादा से ज्यादा एक तारीख या दो तारीख को चुनाव की घोषणा हो जाएगी, इसलिए आपके पास सिर्फ 15 दिन बचे हैं, 15 दिन से भी कम बचे हैं। और इन 15 दिनों में आपको ये तय करना है कि आपका भविष्य कैसा होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका भविष्य उसी तरह से अंधकार में रहे जैसे कि पिछले 10 वर्षों से चल रहा है, उसी तरह से आतंकित रहे, भयभीत रहे, डरा हुआ रहे हर व्यक्ति इस प्रदेश का, जैसे पिछले 5 सालों में इस भारतीय जनता पार्टी ने किया, हर जाति हर धर्म के लोगों को डरा धमका करके, चाहे वो अकलियत समाज के हो, चाहे वो दलित समाज के हमारे भाई बहन हो, और चाहे वो ब्राह्मण समाज के लोग हों जिनकी 500 से ज्यादा हत्याएं उत्तर प्रदेश में इस 5 साल में कराने का काम किया है और 100 से ज्यादा इनकाउंटर करवाने का काम किया है। इन सभी लोग जो ये माहौल उत्तर प्रदेश का रहा है उसको खत्म करने का समय अब आपके हाथ में आ गया है। अब आपके हाथ में इनका भविष्य है, भारतीय जनता पार्टी का भविष्य आपके हाथ में है। समाजवादी पार्टी को आप पहले ही देख चुके थे, उखाड़ फेंकने का काम किया था, लेकिन इस सरकार को फेंकने का काम अब आपके हाथ में है और अपना भविष्य भी बनाने का काम अब आपके हाथ में है। और इसीलिए आपको कुछ बातों को बहुत ध्यान से सुनने के बाद ध्यान रखना भी पड़ेगा।
और वो क्या है? भारतीय जनता पार्टी कैसे आई? भारतीय जनता पार्टी 5 साल में उसने अपनी सरकार चलाई है, किस तरह की सरकार चलाई, और जब सरकार बनाने के लिए आए थे तो आपके पास क्या कहते हुए आए थे? आपके पास वादे किए थे, एक दो वादे नहीं। अगर झूठों की बात करी जाए कहीं की, सबसे ज्यादा वादे कौन झूठ बोल सकता है, देने का काम कर सकता है, तो भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में नंबर वन पर आई है। इन्होंने महिलाओं से कहा कि हम आपको सुरक्षा देंगे, आप हमको वोट दे दीजिए। महिलाओं ने सोचा कि ठीक है, समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी तो सभी लोग जानते हैं जब समाजवादी पार्टी की सरकार आती है तो गुंडागर्दी, माफियागर्दी, दहशतगर्दी, फिरौती, डकैती, बलात्कार, दंगे, फसाद, ये सब पूरे उत्तर प्रदेश में आम हो जाते हैं और हर जगह देखने को मिलते हैं। महिलाओं के साथ भी उत्पीड़न हो रहा था, खुलेआम हो रहा था। उन्होंने सोचा कि चलो इनसे निजात पाने के लिए ये वादा कर रहे हैं कि हम सुरक्षा देंगे, हम इनके साथ चले जाते हैं। लेकिन क्या हुआ? सुरक्षा देने की बात थी। आज यही की जो रिपोर्ट है, एनसीआरबी की रिपोर्ट, हम लोग अपनी बात नहीं कर रहे हैं, अपनी तरफ से नहीं कर रहे हैं, इनकी जो सरकारी आंकड़ा की रिपोर्ट है उसके तहत में हर 2 घंटे में एक महिला के साथ में बलात्कार और दुराचार उत्तर प्रदेश में होता है, और सबसे ज्यादा अगर दुराचार हो रहा है, बलात्कार हो रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश में इस सरकार में हो रहे हैं। जैसे कि सबसे ज्यादा गरीबी पूरे देश में सरकारी आंकड़ों के हिसाब से अगर है तो वो उत्तर प्रदेश में इन 5 सालों में हो गई। क्या यही सुरक्षा मांगी थी? किस तरीके से आपने देखा कि एक दलित समाज की बेटी के साथ में हाथरस में उसके साथ में पहले बलात्कार होता है और उसके बाद उसकी जान चली जाती है, तो उसके मृत शरीर को भी मुख्यमंत्री स्वयं लखनऊ में बैठ करके और एक निर्देश देते हैं जिला मजिस्ट्रेट को कि देखो इनके परिवार वालों को हक देना, क्योंकि इसमें हमारे अपने जिनके ऊपर हमारा बदरस है, जिनको हम आगे बढ़ाने का काम 5 साल करते रहे, हमारे अपने लोग इसमें शामिल हैं, अगर ये इसमें फंस जाएंगे, इसलिए इस शरीर को तुम लोग चलाने का काम करो। और फिर क्या हुआ? पूरे प्रदेश ने देखा, पूरे देश ने देखा, पूरे विश्व ने देखा, और हम लोगों की शर्म से सर झुके, लेकिन उनके ऊपर कोई असर नहीं हुआ। रात के 2:30 बजे जाकर के और मिट्टी का तेल डाल करके खेतों में उस लड़की का उन्होंने शरीर जलाने का काम किया, और उत्तर प्रदेश में उनके मुख्यमंत्री बैठ करके टेलीविजन में और अपने मोबाइल में वो देख रहे थे कि लाइव देख रहे थे कि शरीर जल रहा है, इसको मीडिया ने छापने का काम किया, दिखाने का काम भी किया। इस तरह की सोच रखने वाली सरकार, इस तरह की सोच रखने वाले मुखिया, उनसे आप क्या उम्मीद करेंगे? खुशी दुबे नाम की लड़की, 16 साल की लड़की, उसकी शादी होती है एक दिन पहले, एक दिन पुरानी ब्याहता लड़की, हाथों की मेहंदी भी नहीं छूटी थी, उसकी दूध अभी सूखी भी नहीं थी, और उसको उठा ले गए, उसके पति का इंकाउंटर किया और उसको उठा ले गए, और आज 1.5 साल से ज्यादा हो गया है उसको जेल में बंद करके रखा, उसकी बेल स्वयं मुख्यमंत्री देख रहे हैं कि उसकी बेल नहीं होनी चाहिए, उसकी पैरोकारी यहाँ के प्रदेश के मुख्यमंत्री स्वयं कर रहे हैं। इतना घृणा इनको इस उत्तर प्रदेश में रह रहे दलितों से, ब्राह्मणों से, खासतौर से जिस तरह से इनका अल्पसंख्यकों से है, कौन किसके साथ है? ये बहन मायावती जी की सरकार थी, याद करिए, महिलाओं को अगर रात के 12 बजे भी निकलने की जरूरत पड़ती थी वो सोचती नहीं थी और रात के 12 बजे भी काम करने निकल जाती थी, क्योंकि उनको ये मालूम था कि उनकी निगाह, उनकी तरफ कोई गलत निगाह उठा के नहीं देख सकता, क्योंकि उत्तर प्रदेश की मुखिया बहन मायावती जी। लेकिन आज क्या हो रहा है? किसानों से वादा किया, किसानों से कहा कि हम जो है तुम्हें तुम्हारी आमदनी 2 गुनी कर देंगे, 2 गुना तो छोड़िए, उनकी तो जमीन ही छीनने लगे, 3-3 काले कानून बना करके किसानों को आंदोलन में झोंक दिया। 15-15 महीने तक किसानों ने आंदोलन किया, 700 से ज्यादा लोगों की शहादत हो गई,
लखीमपुर खीरी में किस तरीके से, बहुत दूर नहीं आपके यहाँ से, हम तो वहां पर गए थे, किस तरीके से इन्होंने चार चार लोगों को तो कुचल के दबाने का काम किया, छह लोगों की मृत्यु हुई वहां पर। और इतना ही नहीं, दर्जनों भर लोग घायल हुए, गंभीर रूप से घायल हुए, उनका इलाज भी नहीं कराने का काम किया। और उनके मंत्री कहते हैं और मुख्यमंत्री कहते हैं और सभी भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते हैं कि नहीं नहीं, इसमें किसी का दोष नहीं है, किसी ने इनको मारने का काम नहीं किया। अपने आप मर गए क्या? मीडिया के लोगों ने जब खुलासा किया, पहले तो कह दिया कि वहां पर थे ही नहीं, इनसे कोई लेना देना नहीं, मीडिया ने सारी चीजें खोलने का काम कर दिया। एक एक मैं मीडिया को धन्यवाद देता हूं, इसलिए खास तौर से कि मीडिया को इन्होंने आजकल अपना कठपुतली बनाने का काम किया, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसने उनको दबाने का काम किया है, चाहे वो किसी भी प्रकार से उन्होंने तरीका निकाला और दबाने की कोशिश करी है कि मीडिया सही चीज सामने न दिखा। लेकिन मैं बधाई देता हूं कि चाहे वो हाथरस में उस बेटी के साथ में हादसा हुआ था, उसको दिखाने का काम मीडिया के लोगों ने बहादुरी से किया, हमारे जो नौजवान मीडिया के लोग जो फील्ड में थे उन्होंने दिखाने का काम किया, और उनके फिर जो आका लोग हैं, मालिक लोग हैं, उनको भी मजबूरी में आके दिखाना पड़ा। लखीमपुर में भी यही हुआ, जब मीडिया के लोगों ने फोटो खींच के वीडियो खींच करके और डाल दिया यूट्यूब में, तो मीडिया के मालिकों को भी दिखाना पड़ा मजबूरी में। और उसके बाद क्या हुआ कि जो ये कह रहे थे कि हम लोगों का कोई हाथ नहीं है, मजबूरन अब एसआईटी को भी, जो कि सर्वोच्च न्यायालय को बीच में आना पड़ा, सर्वोच्च न्यायालय को अपने हाथ में सारी चीजें लेनी पड़ी, और अपनी निगरानी में उन्होंने फिर एक एसआईटी बनाने का काम किया, और उसके उत्तर प्रदेश की जो सरकार है इसके इससे बहुत धक्का उनके लिए नहीं लग सकता कि उनके ऊपर उनको विश्वास नहीं रहा कि ये सही माने में जांच करेंगे, क्योंकि सही माने में ये जांच कर भी नहीं रहे थे। फिर उस जांच में अभी जो खुल करके आया है वो सबने देखा कि ये निकल के आ गया कि इन किसानों को मारने के लिए प्रायोजित योजना थी। और मीडिया के एक साथी ने जब प्रश्न किया जिनको मंत्री जी से, तो वो भी कल आप सब लोगों ने देखा है जिस तरीके से मीडिया के उस व्यक्ति के गिरेबान पकड़ने का काम किया, उसका मोबाइल छीनने का काम किया, और सारे के सारे मीडिया कर्मियों को गाली गलौज देने का काम किया, उनको चोर चक्का कहने का काम किया, उनको हर तरह की जो गालियां हो सकती है वो खुल करके मीडिया के सामने देने का काम किया। ये भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा, ये एक नमूना है जो पूरे उत्तर प्रदेश में चल रहा है और हर जिले में हो रहा है, हर स्थान पे हो रहा है। ये सोचते हैं कि हम दहशत फैला लेंगे, हम लोगों को दबा देंगे तो लोग डर जाएंगे, लेकिन किसानों ने दिखा दिया कि तुम जो तीन काले कानून ला करके हमारी जमीनों पर कब्जा करके और जबरदस्ती उसको ठेके में, बड़े बड़े उद्योगपति जो इनको हजारों करोड़ रुपया देते हैं चुनाव के लिए, उनको देने की योजना बना रहे थे, उन्होंने पीछे हटने का काम नहीं किया, लाठियां खाई, सर से खून निकले, लोगों की मृत्यु भी हो गई आंदोलन में, लेकिन वो हटे नहीं और डटे रहे, हम लोग भी उनके साथ में खड़े रहे, बहुजन समाज पार्टी, चाहे वो संसद के अंदर हो या संसद के बाहर हो, हम लोग उनके साथ में डट के खड़े रहे, और अंततः इनको वापस होना पड़ा, अपने कानून वापस लेने पड़े। लेकिन अभी भी इन्होंने एमएसपी के बारे में जो न्यूनतम रुपया मिलना चाहिए फसल का, उसके बारे में कोई घोषणा नहीं की, और बल्कि यहां धीरे से कह दिया इनके गवर्नर साहब ने और अन्य नेताओं ने कि ये तो अभी हमको मजबूरन वापस लेना पड़ा है, जो दिखाता है कि आपने चुनाव के दबाव में आकर के इसको वापस लिया है। आपकी नीयत अभी भी ठीक नहीं है, अभी भी साफ नहीं है, और आप इसको दोबारा लादने का काम, किसानों पर योजना बनाने का काम कर रहे हैं कि चुनाव निकल जाए, पंजाब के चुनाव हो जाए, उत्तर प्रदेश के चुनाव हो जाए, उत्तराखंड के हो जाए, और फिर से इन कानूनों को हम इनके ऊपर लादने का काम। इन्होंने कहा था हम आमदनी दो गुना करेंगे, किसानों का गन्ना का मूल इन्होंने अभी आखिरी एक महीने पहले जब सरकार जाने का समय आ गया तब 25 रुपए बढ़ाए, 5 रुपए सालाना के हिसाब से किसानों का इन्होंने दाम बढ़ाने का काम किया है। इस समय महंगाई के जमाने में
याद करिए बहन मायावती जी को, बहन मायावती जी ने कोई वादा नहीं किया था, लेकिन किसान उनके दिल में बसे हैं, किसानों की समस्याओं को जानती है, इसलिए उन्होंने अपने 5 साल के कार्यकाल में उन्होंने ये नहीं कहा था कि हम 2 गुना करेंगे, लेकिन उन्होंने 125 रुपए क्विंटल जो मिलता था उसको 250 रुपए करने का काम बहन मायावती जी ने किया। और 40 रुपए अपनी आखिरी कैबिनेट में 2012 की और बढ़ाने का काम किया था, जिसको कि बाद में दिसंबर के महीने में, नवंबर दिसंबर के महीने में उसकी घोषणा समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान हुई थी। समाजवादी पार्टी की सरकार ने पूरे 5 साल के कार्यकाल में सिर्फ 15 रुपए बढ़ाने का काम किया, बहन मायावती जी ने 2 गुना करने का काम किया। ये भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी में फर्क है। बहन मायावती जी जो कहती है फिर वो करके दिखाती है। उन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश का विकास किया, उत्तर प्रदेश के कोने कोने में विकास किया। बिजली जो 6,500 मेगावाट बनती थी 13,500 मेगावाट पहुंचाने का काम किया। उन्होंने 29,500 गांव इस प्रदेश के डॉक्टर अम्बेडकर गांव के नाम से जो है उनका सीसी रोड बनाते हुए और समग्र विकास करने का काम किया। 29,000 प्राइमरी स्कूल बनाए, 5,500 जूनियर हाई स्कूल बनाए, न जाने कितने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट बनाए, डिग्री कॉलेज बनाए, हर जिले में बनाने का काम किया, और आधा दर्जन से ज्यादा यूनिवर्सिटी और मेडिकल कॉलेज आधा दर्जन से ज्यादा बनाने का काम बहन मायावती जी ने उत्तर प्रदेश में करने का काम किया। उन्होंने 23 जिले बनाए, 23 नए जिले बनाने का काम किया उत्तर प्रदेश में। और जब नया जिला बनता है तो आप जानते हैं कि समग्र विकास करना पड़ता है, उस जिले की मूलभूत परिवर्तन होता है, हर चीज देनी पड़ती है, वो बहन मायावती जी ने करने का काम। और भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है, समाजवादी पार्टी की नकल करके खाली फीता काटने का काम, घोषणाएं करने का काम। आजकल घोषणाओं की छड़ी लग गई है, जैसे चुनाव आ गया है 1 महीना पहले 2 महीने पहले रोज फीता कटता है, रोज घोषणाएं होती हैं, काम नहीं 5 साल किया अब घोषणाएं करी जा रही। और इसीलिए मुख्यमंत्री को लोग आजकल जो है, आजकल मुख्यमंत्री जी को लोग घोषणा मंत्री कहने लगे, घोषणा मुख्यमंत्री कहने लगे, क्योंकि वो खाली फीता काट रहे हैं और फीता काटते हुए चल रहे हैं। और कौन सा फीता काट रहे हैं कि ये हम बनाने का काम करेंगे, ये करने का काम करेंगे। ये उसी तरह से धोखेबाजी है जैसे कि इन्होंने किसानों के साथ किया, जैसे इन्होंने मजदूरों के साथ में किया, जैसे महिलाओं के साथ में किया, और जैसा इन्होंने बेरोजगारों के साथ में किया। जो बेरोजगार नौजवान युवक थे उनसे इन्होंने कहा कि हम आपको बेरोजगारी आपकी दूर करेंगे, आप हमारे साथ में आ जाइए। पीएचडी डिग्री अलग अलग डिग्रियां लेकर के लोग बेरोजगार होकर के घूम रहे थे, उन्होंने इनका साथ दे दिया, इनको वोट भी दिया, लेकिन 4.5 साल तक जब कुछ नहीं किया तो उन्होंने आकर के आंदोलन किया। जब आंदोलन किया तो उनको लाठियां मिली, उनका सर फोड़ा गया। और उसके बाद जब उन्होंने कहा कि आखिर हमारी क्या गलती है, आप ही ने तो कहा था कि हम आपको नौकरी देंगे, तो हम अगर आपसे मांग रहे हैं तो क्या गलत कर रहे हैं, तो इन्होंने जवाब में दिया कि हम नौकरी तो नहीं दे सकते, लेकिन एक सलाह दे सकते हैं इन पढ़े लिखे नौजवानों को कि जाइए और पकौड़ा बेचने का काम करिए, आपको हम ये सलाह देते हैं। इस तरह की सलाह पढ़े लिखे नौजवान जिनको कि आप कह रहे थे कि हम नौकरी देने का काम करेंगे, बहन मायावती जी ने आते ही पहले ही 3 महीने में 1,11,000 नई नौकरियों को सृजित करके देने का काम किया। पुरानी जितनी भी नौकरियां थी जिसमें कि भरने का काम ये नहीं कर रहे थे उसमें उन्होंने उसका उसको दोबारा से खोलने का काम किया, उसमें नौकरी देने का काम किया। लोगों के लिए पूरे प्रदेश में उद्योग लगाने का काम किया, उद्योग लगते हैं, बेरोजगारी अपने आप दूर होती है। और 23 लाख से ज्यादा उन्होंने अपने कार्यकाल में लोगों को नौकरी, नौजवानों को देने का काम किया। बहन मायावती जी ने अबकी बार भी आपने सुना होगा, सभी लोगों ने सुना होगा, 9 अक्टूबर को जब 5 लाख से ज्यादा लोग इकट्ठा हुए थे लखनऊ में मानवर काशीराम जी की पुण्यतिथि पर,
मान वरकाशी राम जी के स्मारक स्थल पर तो रहे मानी जी ने उस दिन बहुत सी बातें की थी। उन्होंने एक बात ये भी कही थी कि अब की बार जब हमारी सरकार बनती है तो हमारी प्राथमिकता जो होगी वो सबसे पहले इस प्रदेश से बेरोजगारी दूर करने की होगी। हम अपने बोरे बेरोजगार युवकों को सड़कों में ढूंढने नहीं छोड़ेंगे, हम उनको नौकरी दे करके और काम करने के लिए लगाएंगे। हम इनकी तरह से वहां पर लैपटॉप 10,000 का और मोबाइल फोन 10,000 का आखिरी में एक भीख के रूप में देने का काम नहीं करेंगे। हम उनके लिए ऐसा इंतजाम करेंगे कि वो हर महीने खुद अपने 50,000 से ज्यादा रुपए कमा करके अपना घर भी चलाएं, लैपटॉप भी खरीदें, मोबाइल भी खरीदें और सब करें। इन लोगों की तरह बहन मायावती जी नाटक करने का काम नहीं करती है कि गरीबों के घर में जाए, झोपड़ियों में जाए और वहां पर खाना खाने का काम करे, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के लोगों का शौक है। ये लोग जाते हैं घरों में दिखावा करते हैं, हम तो दलितों के घर में गए और दलित के घर में जाके खाना खा रहे हैं, हम अति गरीब के घर गए खाना खा रहे हैं, मीडिया को लेकर के जाते हैं कमरे में दिखाते हैं, फोटो खिंचवाते हैं। ये नहीं बताते हैं मीडिया के लोगों को कि हमारे लोग तो यहाँ 15 दिन से लगे हुए हैं, घर की सफाई भी करी है, घर की पोताई भी करी है, यहाँ पर चौका बर्तन भी लेके आए, अपना अपने सामान भी लेके आए, अपना खाना भी बनवा के पहले से ला करके अंदर रख दिया है और उसी को खाना खाने का काम करने का ढोंग करने का काम करते हैं। बहन मायावती जी से हमसे लोगों ने पूछा कि बहन मायावती जी ऐसा क्यों नहीं करती है, हमने कहा बहन मायावती जी इस तरह के ढोंग में विश्वास नहीं करती है। वो गरीबों की झोपड़ी में न जा करके गरीबों को उनकी झोपड़ी से निकाल करके और उनको दो दो कमरे के मुफ्त पक्के मकान देने का काम करती है जो उन्होंने अपनी सरकार में करके दिखाया। वो झोपड़ी में नहीं छोड़ना चाहती है, उनको बाहर निकालना चाहती है और बाहर निकाल करके उन्होंने 20 लाख से ज्यादा मानवर काशी राम जी की योजना के तहत में पक्के मकान देने का काम किया था। 80 लाख जो मकान और बन रहे थे उनकी योजना जो थी कि हम एक भी ऐसे व्यक्ति को न छोड़े जो कि गरीबी के कारण झोपड़ी में रह रहा है, उसको मुफ्त में 2 कमरे का मकान दे, उसको समाजवादी पार्टी की सरकार ने आते ही बंद कर दिया था, आधे कचरे मकान छोड़ दिए, आज भी वो खड़े हुए। लेकिन अब की बात जब सरकार आएगी, आपकी बहुजन समाज पार्टी की सरकार की आएगी, तो ये जितनी योजनाएं इन्होंने रोकी और बंद करी है, चाहे वो महिलाओं को, महिला प्रमुख को हर घर की बहन मायावती जी ने उनको हर महीने पैसा उनके हाथ में घर खर्च का पहुंचाने का काम किया था, चाहे वो गरीब लड़कियों कन्या का जो उन्होंने योजना बनाई थी कि अगर गरीब परिवार में कन्या पैदा हो तो उसको एक बैंक ड्राफ्ट जिले का अधिकारी भेजेगा, किसी अधिकारी को दिलवाएगा और जब वो 18 वर्ष की होगी तो उसके खाते में 1 लाख रुपया उसके खाते में जमा हो जाएगा। उन्होंने योजना बनाई थी कि मुफ्त पढ़ाई की ऐसी लड़कियों के लिए और पेंशन बढ़ाने का काम किया था, विधवा पेंशन बढ़ाने का काम किया था, ये सारी योजनाएं इन्होंने बंद कर दी। इन्होंने तो जो पेंशन मिलती थी, जो कर्मचारियों को मिलती थी, इन्होंने तो उसको भी बंद करने का काम कर दिया। आने दीजिए बहन मायावती जी की सरकार, ये पेंशन बहाली बहन मायावती जी की ही सरकार में होगी और लोग तो खाली आके झूठे वादे करते हैं और वादे करके चले जाते हैं। जिस तरीके से इन्होंने अध्यापकों से कहा, जो वित्तहीन विद्यालय है लाखों की संख्या में उत्तर प्रदेश में, जिसमें 20 लाख से ज्यादा वित्तहीन अध्यापक पढ़ाने का काम करते हैं, उनसे पहले समाजवादी पार्टी ने वोट लेने के लिए उनको वादा किया कि आइए हम आपका मान दे देंगे, सम्मानजनक मान दे देंगे, आपकी नियमावली बनाएंगे, आपके लिए योजनाएं बनाएंगे। 5 साल निकल कर गए, कुछ नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि वो लोग झूठे हैं, हम आपको देंगे और 4.5 साल जब हो गए और जब उन्होंने इनका घेराव किया, कहा कि कहां गया आपका वादा, तो उनके ऊपर भी उसी तरीके से जैसे जो लोग भी जाते हैं अपनी मांग लेकर के लाठियां बरसाई जाती हैं, महिलाओं को भी इन्होंने नहीं छोड़ा, उनके ऊपर भी विधानसभा के सामने लाठियां बरसाने का काम किया। एक महिला ने तो चुप होकर के अपने बाल ही कटवा लिए विधानसभा के सामने टीचर ने, और उसने कहा, जब मीडिया के लोगों ने कहा कि आपने ये बाल क्यों कटवा लिए, उन्होंने कहा ये हम सामूहिक प्रदर्शन कर रहे और दिखा रहे हैं कि ये इस सरकार की अंत्योष्टि की घोषणा हम अपने बाल मुड़ा करके करने का काम कर रहे हैं।
उसके अगले दिन मुख्यमंत्री जी क्या कहते हैं, वो तो योगी है, उनको तो वो तो अपने को महात्मा कहते हैं। क्या महात्माओं का यही काम है कि इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करें? जो उन्होंने अध्यापकों के लिए कहा, अध्यापक से अध्यापकों के लिए जब पूछा गया कि इनकी मांग क्यों नहीं पूरी होती है और उन्होंने सर मुड़ा लिया, इसके बारे में क्या कहते हैं आप? तो योगी जी क्या कहते हैं? योगी जी कहते हैं कि ये सारे अध्यापक लोग जो है ये कुकर्मी है, इन्होंने पिछले जन्म में बहुत दुष्कर्म किए हैं और बहुत पाप किए हैं और इसीलिए पापी होने की वजह से इस जन्म में ये अध्यापक बन गए। अध्यापक में इसीलिए बने क्योंकि ये पिछले जन्म में पापी थे और इनका यही हश्र होना चाहिए जो हश्र हम लोगों ने किया है। अध्यापकों को पापी कहना, अध्यापकों को ये कहना कि उन्होंने दुष्कर्म किए थे इसलिए जन्म में अध्यापक बन गए, इससे ज्यादा गिरी हुई सोच क्या हो सकती है? आप खुद ही बताइए, जो हमको पढ़ाते हैं, जिन्होंने हमको पढ़ा लिखा करके इस लायक बनाया कि हम जो है आप लोगों सामने खड़े हो, अपनी बात रखें, अपना काम करें और ऐसे लोगों को जिनको गुरु हम लोग कहते हैं और उनको ब्रह्मा के ऊपर भी कहते हैं कि गुरु ब्रह्मा से भी ऊपर होते हैं, उनको आप कहते हैं पापी हैं। ये अध्यापक जो 20 लाख के अध्यापक जो थे, ये उनके लोग हमसे मिले आकर, उनके जो मुख्य लोग से मिले, हमने उनकी बात सुनी, सुनने के बाद हम अपने नेता के पास ले गए, अपनी बहन मायावती जी के पास लेकर के गए उनको और हमने उनसे मिलाने का काम किया। हमें बहन मायावती जी ने उनकी बात सुनी, लगभग 1.5 से 2 घंटे के बाद उनकी बात सुनने के बाद उसी समय उन्होंने घोषणा करी और ट्विटर में अपना निर्णय भी दिया, उन लोगों से भी कहा हमारी सरकार बनने दीजिए और ये वित्त विहीन अध्यापक जो लोग हैं इनकी समस्याओं को दूर करने की जिम्मेदारी आते ही हमारी सरकार की पहली प्राथमिकता होगी, जैसे बेरोजगारी खत्म करने की प्राथमिकता होगी। इससे भाइयों, ये जो धर्म का चोला पहनते हैं और उसके अंदर अधर्म का काम करते हैं, जो ये मुखौटा धर्म का लगाते हैं, भगवान के नाम पे आपसे वोट मांगते हैं, भगवान को एक वोट की वस्तु बनाते हैं और वस्तु बना करके फिर आपको धमकाने का काम करते हैं, डराने का काम करते हैं, किस तरह से प्रदेश भर में दहशत फैलाने का काम किया है, अल्पसंख्यक समाज के लोगों को डराने का धमकाने का काम किया है, आप सोचिए, याद करिए कि क्या ऐसे ही लोग, आप निर्णय लीजिए क्या ऐसे ही लोगों को आपको सत्ता देनी है, क्या ऐसे ही लोगों को दोबारा सत्ता में बैठाना है आपको, जिन्होंने चाहे वो समाजवादी पार्टी हो और चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, ये लोग मिल करके आपस में तय करते हैं, मिल करके योजना बनाते हैं और दंगे फसाद भी मिल करके कराते हैं। ये किसी से छुपा नहीं है, ये दंगे होते नहीं है, दंगे तो कराए जाते हैं और इन्होंने पूरे प्रदेश में दंगे करवाए मिल करके दोनों लोगों ने। 134 दंगे समाजवादी पार्टी की सरकार में अगर हुए तो क्यों हुए? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी मिलकर के इस काम में मिलकर के जुटे। बहन मायावती जी की सरकार 5 साल रही, क्यों नहीं एक भी दंगा हुआ? क्योंकि एक भी छुटपुट सी छोटी घटना भी क्यों नहीं हुई? क्योंकि ये दंगे कराने का काम करते हैं और बहन मायावती जी सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय की बात करती है, हर जाति हर धर्म हर व्यक्ति को साथ में लेकर के चलने का काम करती है। ये आएंगे आपके सामने झूठे झूठे वादे करके चले जाएंगे, भाषण देके जाएंगे, भगवान राम के नाम पे वोट मांगने का काम करेंगे और ये नहीं बताएंगे कि कितने दिन तक उनको झोपड़ी में रखने का काम किया इन्होंने और अभी भी रखे हुए। 2 साल हो गए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को आए हुए, क्यों नहीं मंदिर बनाया इन्होंने? पैसा तो इनके पास है, 1 लाख करोड़ रुपया इकट्ठा करा है मंदिर के नाम पे। अरे चुनाव में कितना रुपया इस्तेमाल करोगे उसका? ठीक है, चुनाव में इनको 100 हेलीकॉप्टर उतारने हैं उत्तर प्रदेश में, जैसा कि उन्होंने घोषणा की है, 50 तो उतर चुके हैं, 100 उतार रहे हैं इनको और हर जिले में 10-10 गाड़ियां इनको दौड़ानी है, ठीक है, फिर भी 1 लाख से ज्यादा करोड़ रुपया आपके पास है, वो तो बहुत ज्यादा है। न्यू भी खोदना शुरू नहीं किया था? 23 जुलाई को जब हम अयोध्या गए
हमने अपना पहला कार्यक्रम का पहला शुरुआत की वहां पर, तो वहां तो देख करके दंग रह गए। 2 साल हो गए, न्यू डाले हुए, न्यू तो डाली ही नहीं थी, 4 ईंटें रख दिए थे खाली और कह दिया कि न्यू पूजन हो गया, भूमि पूजन हो गया। उसके बाद तो पहला फावड़ा भी नहीं पड़ा। वो बात दूसरी कि जैसे हम इनकी ये सब बातें खोल करके आए, इनके चेहरे से इनका मुखौटा हटा करके आए और इनका असली धर्म का रूप दिखाने का काम किया हमने वहां, और दिखाया कि अयोध्या में जितनी बदहाली है, पूरे शहर में जो कुछ भी कार्य हुआ वो सिर्फ और सिर्फ बहुजन समाज पार्टी के दौरान में हुआ। चाहे वो सरयू नदी घाट ठीक करने का हो, चाहे वहां पर सीवर लाइन पूरे अयोध्या में डालने का काम हो, वॉटर लाइन डालने का काम हो, चाहे वो 10 करोड़ के ऊपर से लगा करके सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाया गया हो, चाहे वो अयोध्या की परिक्रमा बनाने का काम हुआ उसको छोड़ा कर, वो सारे काम तो बहुजन समाज पार्टी की सरकार में हुए थे। हम लोग वोट की राजनीति नहीं करते, इसलिए दिखावा नहीं किया, पर ये तो 2 साल तक इन्होंने कुछ किया ही नहीं और हजारों लोगों का तो सरकारी धन निकाल दिया अयोध्या के नाम पे, अयोध्या के सौंदर्यीकरण के नाम पे। कहां गया वो रुपया? हिसाब तो देना ही पड़ेगा। अभी नहीं देंगे तो 3 महीने बाद हम लोग लेने का काम करेंगे, एक एक नए पैसे का हिसाब लेंगे। कहां इस्तेमाल किया आपने जाकर के? जिस दिन हम लोगों ने खुलासा किया, अगले ही दिन 23 तारीख को हम गए, 24 को मुख्यमंत्री जी पीछे पीछे से पहुंच गए वहां पर और कहा जल्दी से लाओ फावड़ा, फावड़ा चलाने का काम कर दो भाई, दिखाओ मीडिया वालों को ये फावड़ा लगाया जा रहा है और न्यू खोली जा रही है। लेकिन इनका असली चेहरा इनके चेहरे से हट, इनका सामने आ गया है, इनका मुखौटा अब पूरे प्रदेश के सामने से हट चुका है और लोग जान चुके हैं कि धर्म के नाम पे जो चेहरा लेके घूम रहे हैं उसके पीछे इतने बड़े अधर्मी घूम रहे हैं। ये पूरे प्रदेश में और जिस तरीके से लखीमपुर में हुआ है, जिस तरीके से इनके मंत्री लोग कहते हैं, जो खलेआम कहते हैं, धमकाने का काम करते हैं, डराने का काम करते हैं, नेता करते हैं, वो किसी से छुपा नहीं है। इस तरह से समझ रहे हैं कि अब तो हम आ गए और हमारे जाने का मतलब ही नहीं कभी होगा, भूल गए कि ये जनता है, ये जनता अगर वोट दे करके बैठा सकती है तो उसी वोट को डाल करके और इनको उखाड़ के फेंकने का काम भी कर सकती है, जो अब की बात जनता करने वाली उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में विकास के नाम पे तो कुछ नहीं किया, सिर्फ विनाश और विनाश करने का काम किया है। ये विनाश करने वाली सरकार है जो आपके सामने आई है और इसको उखाड़ फेंकने की जिम्मेदारी हम सबकी मिल करके है और वो हमें करनी ही पड़ेगी, वरना अगले 5 साल अगर ये रह गए तो आप सोचिए कि क्या माहौल उत्तर प्रदेश का होगा। यह समाजवादी पार्टी की सरकार आ गई तो क्या हाल आपके होंगे इसको आप कल्पना भी नहीं कर सकते, लेकिन कल्पना करना चाहिए। जब कल्पना करने लगेंगे, सोचने लगेंगे आप, तो अपने आप दहशत के मारे आप कांप उठेंगे कि अगर इन्होंने इस 5 साल में किया है तो आने वाले 5 साल में तो ये हमको यहाँ जीने नहीं देंगे। आपके सामने वो सारे मंजर आ जाएंगे, किस तरीके से कोरोना के दौरान में लाखों लाखों लोग मर गए, दवाई नहीं मिली, पैसा नहीं, उनको दवाई नहीं मिली, डॉक्टर नहीं मिला, ऑक्सीजन नहीं मिला, अस्पताल नहीं मिले, सड़कों में, अपने घरों में, बाहर अस्पतालों के बाहर, वो गाड़ियों में, ठेलों में, रिक्शों में उनकी मृत्यु हो गई और मरने के बाद उनके जलाने का स्थान भी नहीं मिला, उनको गंगा नदी में फेंकने का काम किया गया, उनको बालों में डालने का दफनाने का काम किया गया। किस तरह से बालों में इलाहाबाद में देख रहे थे हम लोग अपनी आंखों से, किस तरह से वहां जानवर आकर के और एक मृत शरीर को नोचने का काम कर रहे थे, वो हम लोगों ने भी देखा और आप सब लोगों ने भी देखा। ये वो सरकार है जिसने देखती रही कि लोग पैदल चल करके आ रहे हैं, जो बाहर से प्रदेशों से कोरोना के दौरान भगा दिए गए थे, पैदल चल करके 100, 200, 500 किलोमीटर चल के आ रहे थे, अपने कंधों में बच्चों को लेकर के आ रहे थे, लेकिन उनके बारे में इनके अंदर कुछ भी नहीं हुआ कि उनके लिए हम कुछ काम कर दें, उनके लिए गाड़ी लगा दें, उनके लिए इलाज कर दें, उनके खाने का इंतजाम कर दें। लेकिन करते क्या है, 300 करोड़ रुपया हर महीने अपने ऊपर खाली इस बात का लगाते हैं कि विज्ञापन दिखाने के लिए, विज्ञापन जो अखबारों में छपते हैं, जो आपको गली गली हर कमरे में दिखते हैं, इनके
जो टेलीविजन खोलते हैं वो सुबह से रात तक 24 घंटे दिखते हैं, उस पर ये 300 करोड़ रुपया अपने ऊपर हर महीने खर्चा करने का काम करते हैं। आप खुद ही सोच लीजिए कि 3600 करोड़ रुपया एक साल में, यही रुपया अगर इन्होंने दवाई में लगा दिया होता, खाने में गरीबों के लिए देने के लगा दिया होता, अस्पतालों में लगा दिया होता, तो ये मौतें नहीं होती, लोगों को परेशान नहीं होना पड़ता। इसलिए हमारा आपसे अनुरोध है कि इन सब बातों को आपको ध्यान में रखना चाहिए और इन बातों को आप यहीं पर भूल के मत चले जाइएगा। आप लोग तो हमारे मुख्य कार्यकर्ता हैं जो आए हैं यहाँ पर, और आपकी जिम्मेदारी बनती है कि यहाँ से जाने के बाद में अपने लोगों के बीच में जाइए, रिश्तेदारों के बीच में जाइए, गांव गांव जाइए और हर जगह जाकर के बिल्कुल भी आपको आप सबको ये बताइए कि अब धरने और धरने का समय खत्म हो गया। और जब वो पूछे क्यों खत्म हो गया, कह दीजिए कि 3 महीने बाद बहन मायावती जी आ रही है, अब धरने और धरने का समय दूसरों का आ गया। अब उनके चेहरों पर देख लीजिए, अभी से दहशत आपको दिखने लगेगी, घबराहट उनके चेहरे में दिख रही है, उनको दिख रहा है। और टेलीविजन में जो दिखाया जाता है, जिस तरीके से प्रायोजित ढंग से और पैसा खर्च करके जो हमने बताया आपको दिखाया जाता है, उसको बिल्कुल देखने का काम मत करिएगा। उससे आप कभी भी उससे बहकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो असलियत नहीं है। ये उसी तरह से दिखाया जा रहा है जैसे कि 2007 में दिखाने का काम हो रहा था, जब 35 सीटें और पढ़ करके 45 सीटें बहुजन समाज पार्टी को दिखाई गई थी कि इतनी सीटें आ रही हैं, लेकिन आया क्या था, पूर्ण बहुमत की सरकार आई थी। और अब की बार भी निश्चित रूप से जिस तरह से हम गए हैं पूरे प्रदेश में और जहां देख रहे हैं, जहां जा रहे हैं, आपके बीच में आज जो हम आके अपनी बातें भी रख रहे हैं, वो बहन मायावती जी की तरफ से रखने का काम कर रहे हैं। उनका संदेशा आपको पहुंचाने का जो हमें जिम्मेदारी दी गई है, वो हम निभाने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि पूरे प्रदेश में जाने का काम करिए, हमारी इन बातों को लोगों को पहुंचाने का काम करिए, क्योंकि उसके बाद में तो वो तो स्वयं आपके बीच में आने वाली है, वो स्वयं आपके बीच में आएंगी, अपनी बात रखेंगी। लेकिन उसके पहले प्रदेश में जाकर के हम लोगों को जिम्मेदारी दी गई है, उस जिम्मेदारी को हम निभाने का काम हम सभी लोग कर रहे हैं, और आपसे भी उम्मीद करते हैं कि आप भी अपनी जिम्मेदारी निभाने का काम करेंगे और ये तय करके जाएंगे, ये संकल्प लेकर के जाएंगे कि अब की बार 2022 में जो 15 दिन के बाद चुनाव की घोषणा होने वाली है और 15 दिन से बचे हैं, इस चुनाव में अपनी पूरी ताकत लगा करके, क्षमता दिखा करके हम लोग अब की बार अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का संकल्प लेंगे और बहन मायावती जी को उत्तर प्रदेश का 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प लेकर के यहाँ से जाएंगे। अगर आप हमारी बात से सहमत हैं, अगर आप हमारी इन सभी बातों में हमारे साथ सहमत हैं, तो मैं आपसे जरूर अनुरोध करूंगा कि एक बार दोनों हाथ उठा करके और हमारा हौसला बढ़ाने का काम करिए और ये दिखाने का काम करिए कि आप हमारे साथ में हैं। आपने जिस तरह से अपना दोनों हाथ उठा के हमें हमारा हौसला बढ़ाया है और इशारा कर दिया है, ये दिखाता है कि आने वाले साल में बहन मायावती जी उत्तर प्रदेश की 5वीं बार मुख्यमंत्री बनने जा रही है। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ, आपसे विदा लेता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय परशुराम। ब्राह्मण समाज के लोग